बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बार किचन गार्डन में फिर एक बार आई हूँ। आज मैंने मज़दूर को रख करके हल्दी का क्यारी साफ़ करवाई हूँ। उसी वक्त एक औरत आई, कही कि मेरी बेटी को साल भर से बुखार आ रहा है, तुम्हारे किचन गार्डन में जड़ी बूटी है, काढ़ा बना दो ताकि मेरी बेटी का बुखार ठीक हो जाए। मैं वो जड़ी बूटी दिखाने के लिए आप लोगों को आई हूँ। ये देखिए, मेरे किचन गार्डन में कल्पनाथ है, ये गुरुजलत्ती है, ये देखिए ये गुरुजलत्ती है। उसके बाद आइए दिखाते हैं, ये बारिश बहुत हुई है, ये देखिए कल्पनाथ है, ये छोटे छोटे कल्पनाथ है। और इसके बाद मुरिंगा है, नीम है, ये देखिए नीम का है, ये देखिए नीम। और आइए ये देखिए मोरिंगा है, जिसका मैं पाउडर बना करके आप लोग को दिखा चुकी हूँ। ये देखिए मोरिंगा है और ये नीम है। अब चलिए ये देखिए हल्दी है, हल्दी को भी उस काढ़े में देना पड़ता है। ये देखिए अदरक है, ये अदरक है, अदरक को भी निकाल के देना पड़ता है। और उसके बाद आइए आपको अपने गार्डन में दिखाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए इलायची का पौधा है और इसमें इलायची भी लगे हुए थे, ये देखिए इलायची है, ये देखिए इलायची भी है उस काढ़े में, लौंग, इलायची, दालचीनी और अजवाइन, मंगरेला, ये सब भी देना पड़ता है, कच्ची हल्दी, अदरक। और ये देखिए कड़ी पत्ता, ये कड़ी पत्ता का पेड़ है अच्छा खासा, ये भी देना पड़ता है काढ़ा में। चलिए मैं काढ़ा भी बना चुकी हूँ और काढ़ा में जो जो चीज़ डाली हूँ अपने किचन गार्डन से ही, सिर्फ पीपल का छाल और बबूल का छाल, बरगद का छाल, सीमल तो मेरे ही गार्डन में है, वो सब मैं उसमें मिला करके काढ़ा बना करके वो औरतों को दे दी ताकि उसकी बेटी जल्द से जल्द अच्छी हो जाए। ये देखिए मैं वो काढ़ा जो बनाई हूँ, ये देखिए ये काढ़ा है, इससे साल भर का बुखार हो, दो साल का बुखार हो, ये काढ़ा पीते ही बुखार जड़ से ख़त्म, हड्डी का बुखार भी जड़ से ख़त्म हो जाता है। और आप लोग मशवरा दीजिए कि मैं अपने किचन गार्डन से अच्छे वीडियो बना करके अपलोड करूं। अल्लाह हाफिज़।